मैं पवन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल फ्रॉम आहना होम्स द्वारका मोड़ से। और गाइज वेलकम टू माय YouTube चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और ब्रांड न्यू 2BHK फ्लैट। इस फ्लैट की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये फ्लैट हमारा बना हुआ है 55 गज में, यानी कि 55 गज में ये फ्लैट बना हुआ है। और ये सिचुएटेड है फ्लैट हमारा मोहन गार्डन में। यहाँ से मेट्रो स्टेशन की अगर मैं दूरी की बात करूँ तो 1.25 किलोमीटर पे आपको यहाँ से मेट्रो स्टेशन मिलने वाला है। द्वारका मोड़ और नवादा मेट्रो स्टेशन के बीचों बीच आपको ये फ्लैट मिलने वाला है। इस बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो पर स्लैब पे 4 यूनिट इसमें बनी हुई है। 2 यूनिट इसमें फ्रंट साइड की है और 2 यूनिट इसमें रियर साइड की है। फ्रंट साइड में दोस्तों जो गली है उसका साइज है 20 फीट का और रियर साइड में जो गली है उसका जो साइज है वो है 10 फीट का। दोनों ही फ्लैट के प्राइस, फ्रंट साइड और बैक साइड के प्राइस डिफरेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइस चेक कर लेना। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत ही अफोर्डेबल और कम प्राइस में ये 2BHK आपको मिलने वाला है। तो चलिए गाइस वीडियो करते हैं कंटिन्यू और दिखाता हूं मैं आपको ये 2BHK का फ्लैट। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है मैं आपको बताता हूं इसमें गाइस। ये हमारा लिविंग रूम है। जब हम एंटर करते हैं तो एंटर करते ही हमारा आता है लिविंग रूम। इस बिल्डिंग में आपको लिफ्ट मिलती है, नीचे आपको एक गाड़ी की पार्किंग मिल रही है। सभी फ्लैट्स में गाड़ी की पार्किंग प्रोवाइड है। स्पेस कार पार्किंग में बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। लिफ्ट इसमें अवेलेबल है। टॉप फ्लोर विद रूफ राइट नाउ भी इसमें मिल जाएंगे, तो आप जल्दी कीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको लिविंग रूम। लिविंग रूम की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो 55 गज में 2BHK के फ्लैट में बहुत ही शानदार तरीके से इसको प्लानिंग किया गया है। अगर हम बात करें सोफे की तो सोफा आपका यहाँ पे एल शेप में लग जाएगा। आपको यहाँ पे एक वुडन का पार्टीशन बना के दिया गया है जिसमें डेकोरेटिव आइटम्स आप रख सकते हैं। वॉलपेपर देख सकते हैं आप ग्रेइश लुक में, बहुत ही शानदार सिल्वर कलर के लुक में आपको यहाँ पे वॉलपेपर मिल रहा है। स्प्लिट एसी की जो पाइपिंग की वायरिंग है वो वायरिंग आपको यहाँ पे हमने ऑलरेडी करके दे दी गई है। एक बार आशीष जी फॉल सीलिंग का डिजाइन दिखाइए। जो फॉल सीलिंग का डिजाइन है बहुत ही शानदार फॉल सीलिंग का डिजाइन है। इसमें आपको LED लाइट्स, फैंस, सभी चीजें एज इट इज लगा के इसमें आपको मिलेगी। देन हम बात करेंगे किचन सेक्शन की, तो किचन सेक्शन आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार किचन यहाँ पे डिजाइन किया गया है। व्हाइट और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन के साथ ये किचन आपको मिल जाता है। यहाँ पे हम आपको चिमनी प्लेस करके देंगे, चिमनी भी प्लेस यहाँ हुई नहीं है। किचन का एक बड़ी लुक दिखाइए, आपको छोटी सी एक फैंसी लाइट भी ऊपर मिल रही है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं 55 गज के फ्लैट के अंदर तो बहुत बढ़िया तरीके से वेल प्लानिंग इसमें की गई है। और एक वुडन का पार्टीशन आपको यहाँ पे दिया गया है जिसमें आप अपने डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे लगा सकते हैं। किचन में स्टार्टिंग में बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे पार्टीशन मिल जाता है। अब हम एक एक करके बात करेंगे अपने बेडरूम्स की। तो एक बेडरूम हमारा यहाँ पे है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट बेडरूम की बात कर लेते हैं गाइज। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है और फर्स्ट बेडरूम में आप देख सकते हैं आपको एक बिग साइज में अलमीरा मिल जाती है जिसमें सिंगल हैंडेड डोर्स आपको एक राइट हैंड साइड पे मिल रहा है और एक लेफ्ट हैंड साइड पे मिल रहा है। तो स्पेस आपको प्रॉपर मिल रहा है। ऊपर आपको वुडन के अलग से पार्टीशन मिल रहे हैं जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। बेड की अगर बात करूं तो डबल बेड के लिए यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा गया है जहां अपना आप डबल बेड इजिली लगा सकते हैं। और ठीक बेड के सामने आपको मिल जाता है टीवी कैबिनेट। तो टीवी कैबिनेट बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। इसमें एक्स्ट्रा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जिसमें आप अपने एक्स्ट्रा सामान भी इजिली रख सकते हैं। इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए बात करूं तो एक विंडो का प्रोविजन भी दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। देन यहाँ पे भी एसी की, स्प्लिट एसी की फिटिंग यहाँ पे भी आपको मिल जाती है। और लिविंग रूम के साथ आपको मिलता है एक अटैच टॉयलेट। टॉयलेट का साइज आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टॉयलेट का साइज आपको यहाँ पे मिल जाता है। सभी सैनिटरी फिक्सर यहाँ लग चुके हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको यहाँ पे मिल जाती है। और अब हम चल रहे हैं अपने सेकंड बेडरूम में जो ओपन होता है बालकनी के साथ और विद अटैच टॉयलेट। ये हमारा गाइज सेकंड बेडरूम है और बेडरूम की अगर साइज की बात करूं तो 10x11 का बेडरूम आपको यहाँ पे मिल जाता है। वॉलपेपर देख सकते हैं
ब्लैक कलर का वॉलपेपर यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया वॉलपेपर, फैंसी लाइट्स आपको यहाँ मिल जाती है। एक बार ऐसे जी फॉल सीलिंग का डिजाइन भी दिखाइए इस बेडरूम का। और जैसा कि हमारा ये बेडरूम जो है फ्रंट साइड में ओपन होता है, तो बालकनी अभी आपको दिखाऊंगा। ये इस बेडरूम में भी आपको टीवी कैबिनेट मिल रहा है, टीवी कैबिनेट आप देख सकते हैं यहाँ पे, इजीली आप पे 32 इंचेस का टीवी लग सकता है। और इस बेडरूम के साथ आपको मिलता है एक अटैच टॉयलेट, टॉयलेट आप देख सकते हैं। 55 गज का ये 2 BHK का फ्लैट है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, वेल प्लानिंग तरीके से इसको प्लान किया गया है। प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस में मैं आपके लिए फ्लैट लेकर आया हूँ। प्राइस एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कर लेना। विंडो का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे आपको, वेंटिलेशन के लिए 2.5 फिट की जगह छोड़ी गई है विंडो एसी लगाने के लिए यहाँ पे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ बालकनी। बालकनी की स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर आपको बालकनी का स्पेस मिल जाता है, वाइड आपको बालकनी मिल जाती है। और जैसा कि ये फ्लैट अभी मैं आपको फ्रंट साइड का दिखा रहा हूँ, तो गली हमारी फ्रंट में 20 फिट की आपको यहाँ पे गली मिल जाती है। यहाँ पे आपको SS की ग्रिल मिल जाती है। और अगर आपको वॉशिंग एरिया बनाना है, टैब का प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस दिए गए हैं, तो आप बालकनी में अपना वॉशिंग एरिया इजिली बना सकते हैं। तो गाइज ये जो फ्लैट है, आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। एक बार जल्दी से, एक बार दोबारा से आपको इस बिल्डिंग के बारे में फिर से बता देता हूँ। ये हमारा 2 BHK का फ्लैट है, 55 गज में बना हुआ है, बिल्डिंग में लिफ्ट है, नीचे आपको गाड़ी की पार्किंग मिल रही है। यहाँ से मेट्रो स्टेशन सिर्फ और सिर्फ 1.25 किलोमीटर पे ही आपको यहाँ से मेट्रो स्टेशन मिलने वाला है। देन 80 से 85% तक आप इसमें होम लोन इजिली करा सकते हैं। और राइट नाउ टॉप फ्लोर हमारे पास अवेलेबल है। जिसको छत वाला फ्लैट चाहिए, बता देता हूँ, जिसको छत वाला फ्लैट चाहिए, छत वाला फ्लैट भी इसमें मिल जाएगा। उसमें छत का जो रूफ हाइट होता है वो आपको मिल जाएगा अगर आप छत वाला फ्लैट लेते हैं तो। अब हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।